छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राजीव युवा मितान क्लब को बंद कर दिया था। और बता दें आपको कि बढ़ते हैं आगे पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के ठिकानों पर पिछले दो दिन से आयकर विभाग की रेड जारी है। अफसर उनके बंगले पर दस्तावेज खंगाल रहे हैं और उनसे करीबियों से पूछताछ की जा रही है। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के घर आईटी की रेड जारी है। रायपुर, दुर्ग, भिलाई, रायगढ़ समेत प्रदेश के कई जिलों में आयकर कार्रवाई कर रही है। चौहान बिल्डर समेत 47 ठिकानों पर छापे पड़े हैं। बलरामपुर के राजपुर में पूर्व खाद्य मंत्री के निजी सहायक समेत रायपुर के एमएलए कॉलोनी स्थित पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के बंगले पर रेड पड़ी है। इधर अमरजीत भगत का बेफिक्र अंदाज भी नजर आया, वो छत पर योग करते दिखे। पूर्व मंत्री अमरजीत भगत के कई जो ठिकाने हैं वहाँ पर लगातार आईटी की कार्रवाई है जारी है और आप देख सकते हैं पूर्व मंत्री अमरजीत भगत अपने छत पर टहल रहे हैं, लेकिन उन्हें बात करने का इजाज़त नहीं दिया जा रहा है। कुछ देर पहले वो यहाँ पर आए जरूर थे, बातचीत करने का प्रयास कर रहे थे, लेकिन उन्हें फिर से ले जाया गया है और कई ठिकानों पर लगातार कार्रवाई है वो जारी है। हालांकि अभी आईटी की जो टीम है उसने किसी तरह का ये खुलासा नहीं किया है कि किस तरह की संपत्ति मिली है, कितने की जो संपत्ति है वो मिला है, इसका खुलासा तो फिलहाल अभी जो आधिकारिक रूप से नहीं किया गया है। इधर अंबिकापुर में भी भगत के ठिकानों पर छापे पड़े हैं। SI रुपेश नारंग, निजी सचिव से पूछताछ की गई है। आयकर विभाग की टीम लगातार तीसरा दिन पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के बंगले पर दस्तावेजों की जांच करी है। इस वक्त मैं पूर्व खाद्य मंत्री अमरजीत भगत के बंगले के सामने मौजूद हूं। आप देख सकते हैं कि किस तरह से जो सुरक्षा के जवान हैं उनके घर के सामने जो है किसी को भी भीतर नहीं जाने दे रहे हैं और लगातार कार्रवाई कर रही है। इसके अलावा जो है उनके करीबी हैं उनके भी से आईटी की टीम जो है पूछताछ कर रही है, जिसमें SI रूपेश नारंग सहित सचिव फ्रैंकलिन टोप्पो और प्रमोद इंजीनियर को भी इसी आवास पर रखा गया है और लगातार पूछताछ की जा रही है। इधर आयकर विभाग की टीम ने लगभग 2 करोड़ से अधिक नगदी, ज्वेलरी समेत अहम दस्तावेज जब्त किए हैं। पूर्व मंत्री समेत बिल्डर्स और कारोबारियों से पुराने सौदे की जानकारी अधिकारी हासिल कर रहे हैं। न्यूज 18 के लिए रायपुर से युगल तिवारी, अंबिकापुर से श्रवण महंत के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ सरकार ने बड़ा फैसला लेते हुए राजीव युवा मितान क्लब को बंद कर दिया है। सरकार का आरोप है राजीव युवा मितान क्लब के बहाने कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को उपकृत किया जा रहा था। ये रिपोर्ट देखिए। बीजेपी सरकार ने कांग्रेस सरकार की एक और योजना बंद कर दी। राजीव युवा मितान क्लब योजना को बंद बक्से में डाल दिया गया है। खेलकूद और युवा कल्याण मंत्री टंकराम वर्मा ने कहा कि कांग्रेस सरकार द्वारा अपने लोगों को लाभ देने के लिए योजना बनाई गई थी, इसका फायदा युवाओं को नहीं मिल रहा था। राजीव मितान योजना तो इनका अपने एजेंटों को फायदा पहुंचाने का था, कार्यकर्ताओं को फायदा पहुंचाने का था। इसमें कहीं कोई काम नहीं हुआ है, केवल पैसे का बंदरबांट हुआ है। तो इस योजना को हम लोग बंद कर रहे हैं और असली काम आप करेंगे कि छत्तीसगढ़ के जो हमारे ग्रामीण प्रतिभा है उसको उभारने का काम करेंगे। इधर योजना को बंद करने के फैसले पर कांग्रेस हमलावर हो गई है। पूर्व मंत्री शिव कुमार डहरिया ने कहा कि जो सरकार आती है अपनी योजना चलाने का काम करती है, योजना से सीधा लाभ युवाओं को होता था, योजना को बंद करना ठीक नहीं है। देखिए, जो सरकार आती है अपनी योजनाएं चलाने का काम करती है, लेकिन जो योजनाएं अच्छी है युवाओं के लिए जो योजनाएं बनाई गई है उन योजनाओं पे बहुत सारे, जैसे हमारी सरकार ने गोधन न्याय योजना चालू किया था जिसे गांव के महिला स्व सहायता समूह की बहनों को गोबर खरीदी होती थी उससे उनके सशक्तिकरण का काम होता, आज उसको भी उन लोगों ने बंद कर दिया है। बहुत सारी योजनाएं जो जिससे सीधा लाभ आम लोगों को होता था और आर्थिक रूप से लोग मजबूत होते हैं, उन सब कार्यक्रमों को भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहती है कि बंद कर दिया जाए। छत्तीसगढ़ में सरकार बदली है, सियासत का अंदाज बदला है और साय सरकार कांग्रेस की योजनाओं में करप्शन के आरोप लगाकर बंद कर रही है। वहीं कांग्रेस इसको लेकर बीजेपी पर हमलावर है। न्यूज 18 के लिए रायपुर से आकाश शुक्ला की रिपोर्ट।